अब वक्त है अगले विश्लेषण का। भारत में लोकसभा इलेक्शन को लेकर जमकर प्रचार हो रहा है। बड़े बड़े नेताओं की रैलियों में जबरदस्त भीड़ जुट रही है। जीत के लिए हर पार्टी और हर नेता पूरा जोर लगा रहे हैं ताकि देश में अपनी सरकार बनाई जा सके। लेकिन भारत के अलावा अमेरिका में भी जबरदस्त चुनाव प्रचार चल रहा है। अमेरिका में इस साल के अंत में चुनाव होंगे, जहां एक बार फिर रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन आमने सामने हैं। लेकिन सवाल है कि क्या एक बार फिर अमेरिका की जनता डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद पर बैठाएगी? क्या ट्रंप अमेरिकी जनता की पहली पसंद बनेंगे? फिलहाल अमेरिका में चुनावी हवा का रुख देखें तो ट्रंप के राष्ट्रपति बनने की संभावना बाइडेन से ज्यादा दिख रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चुनाव से पहले अमेरिका में हुए एक सर्वे में ट्रंप जनता की पसंद बने। इसीलिए आज हमने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप के जीतने की संभावनाओं का विश्लेषण तैयार किया। वॉल स्ट्रीट जर्नल का यह सर्वे अमेरिका के 7 राज्यों में हुआ है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के सर्वे में पता चला है कि बाइडेन ट्रंप से पिछड़ रहे हैं। सर्वे में 7 राज्यों की जनता से पूछा गया था कि राष्ट्रपति पद के लिए जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक को चुनना हो तो किसे चुनेंगे, जिसमें 7 में से 6 राज्यों में ट्रंप को मौजूदा राष्ट्रपति बाइडेन से ज्यादा नंबर मिले। सर्वे में सामने आया है कि जो बाइडेन ने जो काम किया और अर्थव्यवस्था को वो संभालने में जिस तरह से नाकाम रहे, उससे लोगों में असंतोष है, इसीलिए वो ट्रंप को ही प्राथमिकता दे रहे हैं। ट्रंप पर कई आरोप हैं। ट्रंप अपने प्रतिद्वंदी पर बिलो द बेल्ट जाकर अटैक करते हैं। इसके बावजूद ये सर्वे बता रहा है कि ट्रंप आज भी लोगों के फेवरेट हैं। 7 में से 6 राज्यों में ट्रंप की गजब की लोकप्रियता देखने को मिली है। ट्रंप के पक्ष में जनता का जाना बाइडेन के लिए एक झटका जरूर है। सर्वे के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को एरिजोना में बाइडेन से 5 अंक, जॉर्जिया में 1 अंक, मिशिगन में 3 अंक, नॉर्थ कैरोलिना में 6 अंक, नेवाडा में 4 अंक और पेंसिल्वेनिया में 3 अंक से आगे दिखाया गया है। विस्कॉन्सिन में बाइडेन ट्रंप से 3 अंकों से आगे चल रहे हैं। ट्रंप अमेरिका के सबसे विवादित राष्ट्रपति रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है और यही बात जो बाइडेन के लिए सिरदर्द बनी हुई है। सर्वे में डोनाल्ड ट्रंप मजबूती के साथ उभरते दिखे हैं। बाइडेन के लिए शुभ संकेत कहीं से नहीं, इसीलिए जो बाइडेन ने भी चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। ट्रंप और बाइडेन लोगों के बीच जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अपनी सरकारों के काम गिना रहे हैं। दोनों उम्मीदवार बता रहे हैं कि उन्होंने अमेरिका के लिए क्या क्या किया है। वर्ष 2020 में जो बाइडेन ने पहली बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ा और जीता था। इस चुनाव में बाइडेन ने ट्रंप को हराया था। इस बार बाइडेन दूसरी बार इलेक्शन लड़ रहे हैं और अगर जीतते हैं तो वो लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति पद पर बैठेंगे। डोनाल्ड ट्रंप इस बार तीसरी बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे हैं। वर्ष 2016 में ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव जीते थे, लेकिन वर्ष 2020 में वो हार गए थे। अब एक बार फिर ट्रंप चुनावी मैदान में है और अगर ट्रंप जीतते हैं तो वो भी दूसरी बार राष्ट्रपति बनेंगे। वर्ष 2020 में बाइडेन से हारने के बाद ट्रंप ने एक बात कही थी और कहा था कि वो फिर लौटकर आएंगे और अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। ट्रंप अब उसी राह पर हैं जिसके लिए अमेरिका के सबसे विवादित नेता ने पूरा जोर लगा रखा है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए चल रहे प्रचार के दौरान ट्रंप अपने बयानों की वजह से लगातार चर्चा में है। चुनाव प्रचार के दौरान वो नफरती भाषण का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी अमेरिका में आलोचना भी हो रही है। लेकिन ट्रंप को पता है कि यही उनकी लोकप्रियता की वजह है। डोनाल्ड ट्रंप अपने प्रचार में अवैध अप्रवासियों द्वारा लूट, रेप और नरसंहार का मुद्दा उठा रहे हैं। सीमा सुरक्षा को लेकर भी ट्रंप अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति बाइडेन को घेर रहे हैं। ट्रंप लोगों के बीच जाकर नौकरी, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था का भी मुद्दा उठा रहे हैं। अब हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसे देखकर आपको पता चलेगा कि ट्रंप इस बार प्रचार के दौरान कितने आक्रामक हैं। इस वीडियो में ट्रंप के कैंपेन से जुड़ी गाड़ियां जाती हुई दिख रही हैं, जिन पर अमेरिकी झंडा लहरा रहा है। काफिले में एक गाड़ी पर बाइडेन की तस्वीर छपी है। इस तस्वीर में राष्ट्रपति बाइडेन के हाथ और पैर रस्सियों से बंधे दिख रहे हैं और वो जमीन पर लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं।
ये तस्वीर एक पिकअप ट्रक के पीछे लगी है। ट्रंप इस तस्वीर का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के दौरान कर रहे हैं, इसको लेकर उनकी आलोचना भी हो रही है। इस वीडियो को ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर भी किया है। अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन भी जबरदस्त प्रचार कर रहे हैं। बाइडेन को पता है ट्रंप को हराने के लिए उन्हें एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा, इसीलिए उनके हर भाषण में ट्रंप का नाम जरूर होता है। बाइडेन अपने चुनावी प्रचार में अवैध प्रवासियों, गर्भपात, अर्थव्यवस्था और रूस यूक्रेन जंग समेत गाजा का मुद्दा उठा रहे हैं। अपने प्रचार में कह रहे हैं कि उन्हें देश ऐसी हालत में मिला था जब देश की अर्थव्यवस्था मुश्किल हालत में थी, लेकिन अब देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर है। ट्रंप हो या बाइडेन, दोनों चुनाव प्रचार में अलग अलग मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन जानकार मानते हैं कि ट्रंप के लिए बाइडेन सबसे बड़ा मुद्दा है और बाइडेन के लिए ट्रंप, इसीलिए दोनों एक दूसरे को जमकर घेर रहे हैं। अमेरिका में बह रही चुनावी हवा ट्रंप के पक्ष में दिख रही है। ओपिनियन पोल्स की माने तो इस समय ट्रंप को हराना नामुमकिन सा लग रहा है, लेकिन ओपिनियन पोल्स के अलावा भी कई ऐसे संकेत हैं जो ट्रंप की लोकप्रियता और उनकी संभावित जीत की तरफ इशारा कर रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि भले ही ट्रंप 2020 का राष्ट्रपति चुनाव हार गए, लेकिन उनकी लोकप्रियता लगातार बरकरार रही है। वर्ष 2020 के चुनाव में ट्रंप को 2016 के चुनाव के मुकाबले लगभग 1,10,00,000 ज्यादा लोगों ने वोट दिया था। यह अलग बात है कि बावजूद इसके ट्रंप 2016 का चुनाव जीत गए, लेकिन 2020 में वो हार गए। 2016 में ट्रंप को 6,29,79,879 वोट मिले थे, जबकि 2020 में ट्रंप को 7,42,22,958 वोट मिले थे। इससे साफ है कि भले ही ट्रंप चुनाव हार गए हों, लेकिन उनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई थी। इसके अलावा वर्ष 2020 के चुनाव में ट्रंप और बाइडेन के बीच कांटे की टक्कर हुई थी। अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए पॉपुलर वोट से ज्यादा महत्व इलेक्टोरल कॉलेज का होता है, यानी ज्यादा वोट किसी भी उम्मीदवार को मिले हो, जो उम्मीदवार ज्यादा राज्य जीतता है राष्ट्रपति वही बनता है। वर्ष 2020 के चुनाव में अगर ट्रंप 50 में से सिर्फ 3 राज्यों में 42,921 वोट और ले लेते तो राष्ट्रपति ट्रंप ही बनते। अगर ट्रंप एरिजोना में 10,457 वोट, जॉर्जिया में 11,779 वोट और विस्कॉन्सिन में 20,682 वोट और ले लेते तो राष्ट्रपति वही बनते। अगर CNN के सर्वे की माने तो डोनाल्ड ट्रंप एरिजोना में बाइडेन से 5 अंक और जॉर्जिया में 1 अंक आगे हैं। सिर्फ विस्कॉन्सिन में ट्रंप बाइडेन से पीछे हैं। यानी अगर ट्रंप सिर्फ विस्कॉन्सिन में बढ़त बना लें तो उनका राष्ट्रपति बनना करीब करीब तय हो जाएगा। बाइडेन ने अपने कार्यकाल में कई गलतियां की हैं, जिसका फायदा ट्रंप को मिलता दिख रहा है। एक और बात जो ट्रंप के पक्ष में है वो ये कि ऐसा पहली बार है जब ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव के ओपिनियन पोल्स में बढ़त बनाए हुए। इससे पहले वर्ष 2016 और फिर वर्ष 2020 में हुए चुनावों में ट्रंप सभी ओपिनियन पोल्स में पीछे चल रहे थे, लेकिन इस बार ओपिनियन पोल्स में भी आगे दिख रहे हैं। CNN के अलावा द न्यूयॉर्क टाइम्स, CBS न्यूज, UGOV, फॉक्स न्यूज सभी के ओपिनियन पोल्स में ट्रंप अपने प्रतिद्वंदी बाइडेन पर भारी दिख रहे हैं। सर्वे को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। Z News.